हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्राची श्रीवास्तव और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी डाला है, इसमें डाला है बादाम, मखाने, गरी, पिस्ता, चिरौंजी। और मैंने पहले से ही मखाने और गोंद को भून के रख लिया है। और अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा बादाम, काजू और मखाने, गरी, पिस्ता, चिरौंजी, ये सब हल्का हल्का भून रही हूँ, जिससे कि बहुत आसानी से मिक्सी में पिस जाए और ये पाउडर नुमा तैयार हो जाए। ये देखिए, मैंने गोंद और मखाने पहले से भून के रखा हुआ है, देसी घी में मैंने भुना है इसे। और मैं सबको भून के एक साथ रख लूँगी, फिर मैं ऐसे मिक्सी में ग्राइंड करूँगी। तो अभी मैं इसको हल्का हल्का सा धीमी आंच में बिल्कुल फ्राई कर रही हूँ, जिससे ये बहुत आसानी से भून के तैयार हो जाए और बहुत आसानी से ये पिस जाए मिक्सी में। ये देखिए, पिस्ता, चिरौंजी, काजू, बादाम, मखाना, सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें डाले हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप किसी प्रकार का ऑपरेशन और आप दूध के साथ एक लड्डू रोज़ खाइए, या किसी प्रकार की कमजोरी, मल्टीविटामिन, विटामिन की कमी हो, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अगर आप ऐसे ड्राई फ्रूट्स नहीं खा पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत नहीं होती ड्राई फ्रूट्स ऐसे खाने की, तो इसमें आप बहुत ही आसानी से लड्डू एक सुबह, एक शाम या दिन में एक भी खा सकते हैं, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्सी में ग्राइंड करके इसका बिल्कुल पाउडर तैयार कर रही हूँ। ये देखिए, अब लगभग मैंने पूरा पीस लिया, अभी लास्ट का बचा है, मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ। ये देखिए, पूरा मैंने पाउडर तैयार कर लिया है। और मैंने इसे चीनी का बूरा मंगाया है, अगर आपके पास चीनी का बूरा नहीं है तो आप चीनी को भी मिक्सी में ग्राइंड करके पाउडर बना सकते हैं। और देसी घी, अब मैं इसमें देसी घी डालूंगी, जिससे थोड़ा सा गीला हो जाए और बहुत आसानी से लड्डू तैयार हो जाए। और देसी घी भी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ताकतवर होता है और हमारी बॉडी को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। तो मैं इसमें देसी घी का प्रयोग करूंगी, देसी घी डाल के। देखिए, मेरी मम्मी तैयार कर रही हैं लड्डू, और इसमें पाउडर में मैंने देसी घी मिलाया है। मम्मी इसके धीमे धीमे आपको हल्की फ्री हैंड से लड्डू तैयार करने हैं। लड्डू तैयार हो जाएंगे, फिर मैं इसे खाऊंगी। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपने लड्डू बनाए या नहीं बनाए हैं। अगर आप ऐसे ड्राई फ्रूट्स आप नहीं खाते हैं, तो आप लड्डू के रूप में ज़रूर आप खाइएगा, आपकी फ़ायदे करेंगे। और मेरी मम्मी ने मुझे बना के दिए हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मैं ऐसे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाती हूँ, केवल मैं काजू खाती हूँ, लेकिन इसमें आप सारे ड्राई फ्रूट्स आप बहुत आसानी से खा सकते हो लड्डू के रूप में, दूध के साथ, खाली पानी से भी आप खा सकते हो। मेरी मम्मी ने इसे बहुत प्यार से तैयार किया है, अगर आपको पसंद आए तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।